God. Great. Battery dead. Stop. इसी तरह पैदल चलता रहा ना तो मेरा भी हाल ये बैटरी की तरह ही हो जाएगा, एकदम डेड। Hit this girl. Truck. All right, Ahil Raza Ibrahim. Truck it is. हाँ छोड़ो बाबूजी, 21वीं सदी में हैं? मतलब 18वीं सदी की जिंदगी से दूर शहर की तरफ, तो सिविलाइज सोसाइटी। सच्चे वाले दिल जले लगते हो। ओ कोई गल नहीं जी, आ जाओ। क्या देख रहे हो बाबूजी? ओ रोड। अरे साहब, लाइफ भी एक रोड है, चलती ही जाती है। उस रोड पर बसंती साड़ी लवर है जी। बसंती? ओ जी, ये गड्डी साड़ी ट्रक लवर है जी। बाय गॉड की कसम, अगर इसको कुछ होता है ना तो दिल में दर्द होता है। आपकी गड्डी को भी कभी कुछ हुआ है साहब जी? ऐसा लगा हो किसी ने सीने से दिल निकाल लिया। नहीं। ओ जी, फिर तो आपको पता ही नहीं दिल का दर्द क्या होता है। पता है तो बताओ जी, क्या होता है दिल का दर्द? तुम्हारी बकवास सुनकर जो मेरे सिर में हो रहा है ना, उसे दर्द कहते हैं। Shut up, stupid. सनम दा ढाबा जैसे है 5 स्टार, सनम दा ढाबा जैसे है 5 स्टार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। हर ढाबे के दाल मखनी में वही दाल होती है, वही क्रीम होती है, फिर हमारी दाल सबसे अच्छी की होती है। यही तो कमाल, जो कुकिंग है ना, रोमांस की तरह, मोहब्बत की तरह, करो तो दिल से करो वरना मत करो। ढाबा सजा रहा हूँ, हमारा निकाह जो है, अब क्या है ना, आप आपका ढाबा निकाह में तो आ नहीं सकता, कम से कम तैयार तो हो सकता है। जमीन पर गिरा हुआ भिखारी चांद पर छूने का ख्वाब नहीं देखता, और नीचे गिरी हुई चीज आहिल रजा इब्राहिम अपने मुंह नहीं लगाता। ढाबा जला दिया, समझता क्या वो अपने आप को, उसके बाप का राज है क्या?
ठीक हूँ बड़ी अम्मी। ये क्या हो रहा है? सामने लंबा जाम है, कुछ खाओगे साहब जी? नहीं। ए छोटे, इधर आ। ला पुत्र एक दिन। आप पैसे? अरे एक ही तो लिया है, क्यों मरे जा रहा है पैसे के लिए? पैसे तो देके जाओ। उसे पैसे क्यों नहीं दिए? क्या साहब, 5 रुपए में कौन सा वो ताजमहल खरीद लेता? गाड़ी रोको साहब, बलराज चौधरी की गाड़ी है, मैं बोलूंगा तभी रुकेगी। मैंने कहा गाड़ी रोको। अब गाड़ी नहीं रुकेगी साहब। अरे 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 छोड़ ना, अरे गाड़ी बिट जाएगी, छोड़। लाट साहब 12 बार। अरे ये क्या कर दिया है? अरे मेरा ट्रक है, ट्रक तेरी जागीर नहीं। तुम्हारा ट्रक था है नहीं? वाह जी वाह, 8 लाख तो जैसे आप यूं खड़े खड़े दे दोगे। फोन लाओ अपना। अरे ट्रक की ये हालत की, फोन किस लिए? गिव मी योर फोन। हेलो आशीष, हाय। हाँ मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं। हाँ ना, नाम क्या तुम्हारा? बलराज चौधरी। बलराज चौधरी के नाम पे 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं। अकाउंट नंबर 33581। 33581। थैंक यू। SMS चेक करो तुम्हारा, तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। 10 लाख? क्या हुआ मिस्टर चौधरी? ये ट्रक तो तुम्हारी जान थी, महबूबा थी। 10 लाख अपने अकाउंट में देखकर नियत बदल गई तुम्हारे? अंदर तो बड़ा ज्ञान झाड़ रहे थे, लाइफ की फिलॉसफी बता रहे थे मुझे। अब एक ज्ञान, एक फैक्ट आहिल रजा इब्राहिम का सुनाओ। इस दुनिया में अगर किसी चीज की अहमियत है तो वो है पैसा। ये ढाबा सनम के लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, ये ढाबा सनम की जिंदगी थी। जब कोई इससे पूछता था ना कि आपके घर में कोई मर्द है या नहीं, तो कहती थी हाँ है ना, ढाबा है ना। जिस भी शख्स ने उसका ढाबा जलाया है, कितना पत्थर दिल होगा वो। थैंक यू साहब। अच्छा एक बात बता, ये सारे कितने के? 500 साहब। 500? एक रुक 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 रुक, 500 भी रख और ये भी। थैंक यू साहब। चल जा। मैंने ही सनम से कहा था कि किसी के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं करनी चाहिए,
लेकिन मैं गलत थी। जिस लड़के ने मेरे सनम का दिल तोड़ा है उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। बड़ी अम्मी मैं हूं ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि निकाह की तारीख थोड़े दिन बाद की कर दे। दो दिन बाद की जगह दो महीने बाद। हम कहीं भाग तो नहीं जा रहे हैं ना? नहीं नहीं बानू भी, ऐसा मत कीजिए। देखिए मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ा जख्म लगा है, लेकिन इस पर जितनी जल्दी मलहम लग जाए उतना बेहतर है। मैं जानती हूँ हम पर बहुत बड़ी आफत आई है, लेकिन ये जितनी जल्दी खुशी में बदल जाए ना, हम सबको उतना जल्दी हौसला मिलेगा। आप खुदा के लिए ये तारीख आगे मत कीजिए बानू भी। बड़ी अम्मी, अगर आप और सनम यही चाहते हैं तो फिर दो दिन बाद ही बारात लेके आऊंगा। अल्लाह हाफिज दिलशाद भी। अब हम लोग चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। क्या मैं अंदर से अकेले में थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? क्या बात है सनम, बोलो। कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं। सनम, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, पर भरोसा रखिए सब ठीक हो जाएगा। अब क्या आप कुछ पैसे उधार लेने में मेरी मदद करेंगे? ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। बाद में तो बहुत देर हो जाएगी। फिर क्या हुआ अगर मेरा ख्वाब और मेरी मेहनत जल गई तो? हिम्मत नहीं हारनी है मुझे। मैं ढाबा फिर से बनाऊंगी, फिर से मेहनत करूंगी। मेरी बड़ी अम्मी की उम्मीदें जुड़ी हैं उसके साथ। इस घर की जिम्मेदारी है मुझ पे। आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? बड़ी अम्मी, मेरे नाम का एक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी है ना, खुलवाया था ना हमने। ये सारे काम सुबह नहीं हो सकते। बस मैं एक बार और गिनती कर लेती हूँ। क्यों, दोबारा से पैसे गिनने से पैसे बढ़ जाएंगे क्या? पिछली बार की सेविंग से मैंने सारे ढाबे का फर्नीचर खरीदा था। नया फर्नीचर था बड़ी अम्मी, वो भी चल गया, कुछ नहीं बचा। रो मत सनम, दो दिन में तेरा निकाह है। कुछ आंसू अपनी रुखसती के लिए भी बचा के रख ले। और सुन मेरी बात, हमने ठोकर जरूर खाई लेकिन हम गिरेंगे नहीं। मैं हमें गिरने नहीं दूंगी बड़ी अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। बस मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब कुछ ठीक कैसे होगा। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। अनवर के साथ निकाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। निकाह के बाद तो तुम दोनों एक और एक 11 हो जाओगे, है ना? ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूं, उपटन। इसको लगाने के बाद तूने एक भी शिकन नहीं आने देनी है, नहीं तो झुरियां पड़ जाएंगी। समझ में आई? तू तो बस हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, खिलखिलाती रहे। बस तेरा निकाह हो जाए, मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे।
कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अभी तो मैं तेरा हंसना खिलखिलाना सब देख सकती हूँ कभी भी, लेकिन निकाह के बाद कैसे देख पाऊंगी? तब तो तू पराए घर चली जाएगी, तेरी बहुत याद आएगी सनम, तेरा और हया का झगड़ना, तेरी चीजें जगह पे रखने का पागलपन, तेरा हंसना खिलखिलाना सब बहुत याद आएगा। आहिल भाई, आपका कॉल मिलते ही मैं फॉरेन चला आया। आप इस ट्रक में क्या कर रहे हैं? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी जल गई। क्या? गाड़ी जल गई? और इस ट्रक का क्या करेंगे? आप लोग मुझे समझदार आदमी लगते हैं। आपका ये जो ट्रक है बीच रोड पे पार्क नहीं करना चाहिए, नॉट गुड। क्या बात कर रहे हो साहब, हमारे नसीब में ऐसा ट्रक कहाँ। अब है Come on, let's go. हमारी बहू बनकर आ रही हो तुम, हक बनता है मेरा देने का। ये हार मेरी अम्मी का है जो आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। बेटा, अब से जो तेरा है वो मेरा और मेरा है वो तेरा, है ना सनम बेटा? बाजी के हाथों पे जीजू के नाम का पहला लेटर लिख दिया है। अच्छा, दिखाओ तो कहाँ लिखा है तुम्हारे होने वाले मियाँ के नाम का पहला अक्षर। ओ कहते हैं जब अल्लाह दिल बनाता है ना तो दिल के दो टुकड़े कर देता है और दोनों टुकड़ों पर एक एक नाम लिखा होता है जो एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। फिर चाहे वो दिल दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, वो आपस में मिलके ही रहते हैं। अब देखो ना, तुम्हारे दिल पर जिसका नाम लिखा है वो तो तुम्हें मिल गया। ए से ही नाम शुरू होता है उसका, जो मेरी सनम की जिंदगी में आने वाला है। मैंने बैंक वालों से बात कर ली है, लेकिन लेकिन उन्हें लोन के लिए कोई गारंटी चाहिए, हमें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। खैर, लोन पास हो जाएगा, बस कुछ गारंटी चाहिए। हम वो ढाबे वाली जमीन गिरवी रख सकते हैं, वो तो अपनी है ना बड़ी अम्मी, हम वो गिरवी रख सकते हैं। हाँ, जमीन पर हमें लोन मिल सकता है,
पर उतना लोन नहीं मिल सकता जितना हमें चाहिए। तो जमीन के साथ हम और कुछ भी है जिसे गिरवी रख सके? खैर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलाएगा, मैं बैंक वालों से पेपर्स लेकर आता हूँ। अनवर, अगर इस इम्तिहान के वक्त में तुम हमारे साथ नहीं होते बेटा, तो पता नहीं हमारा क्या होता। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। आप कैसी बातें कर रही हैं बड़ी अम्मी, अपनों से भी भला कोई शुक्रिया कहता है? अब सनम और मेरे बीच जो कुछ भी है वो तेरा और मेरा नहीं, हमारा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी सनम का निकाह तुम्हारे साथ हो रहा है। अनवर, आज ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अपनी बेटी खो रही हूं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बेटा मिल गया है।